व्हाट इज़ अ फाइटर्स आदर्श हियर। तो अगर आप लोग यहाँ पे मैं रूबीज़ देखो तो यहाँ पे आप लोग कुछ कम दिखाई दे रहा होगा। हाँ हम समन किए थे और अच्छा खासा समन किए थे, आप लोगों को बस बता दें कि हम क्या किए, ठीक है? फिर आप लोग एस्टिमेट लगाना कि हम कितने रुपीज़ खर्च किए होंगे। तो हम इसका सिलेक्टर तक पूरा चले गए, पहला चीज़ ये। उसके कार्ड बैनर में हम पूरा आखिरी तक आए, उसके फिर यहाँ तक आए, ठीक है? और फिर हुआ क्या, गेस व्हाट गाइस, एज़ यूजुअल, नहीं एज़ यूजुअल तो नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, मगर इस बार मेरा गलती है थोड़ा, ठीक है? हम ऐसा नहीं बोले कि इस बार मेरा फ़ोन कुछ किया, नहीं, इस बार गलती मेरा था, मेरा स्टोरेज पूरा फिलअप हो गया था। तो हम सोचे कि जो भी मेरे एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं KOF के, उन्हें डिलीट कर देते हैं जो हम अपलोड कर चुके हैं। तो उनमें वो वाला वीडियो भी डिलीट हो गया, इसी वजह से आप लोगों को समन नहीं दिखा पाए। मगर एक अच्छा बात है कि आप लोग नहीं, मगर समन तो आप लोगों को दिखाना चाहिए ही था हमको गाइस। उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि वाली वीडियो हम गलती से डिलीट कर दिए, हो जाता है गाइस, आई एम रियली सॉरी बाबू, आई एम सॉरी गाइस, ठीक है? तो आप लोग बोले कि भाई मिला क्या ये बताओ, तो हम आप लोग बताते हैं कि सबसे पहले हम डिजी का अपना जो मेरे को बैनर 2 से सेक्टर मिला था उससे हम इसको 3 स्टार पे कर चुके हैं। और अगर हम आप लोग पूछते हैं कि डिजी कैसी है, तो हम लोग कुछ स्कोर्स दिखाते हैं, ठीक है? आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए डिजी कैसी है। अगर हम यहाँ गिल्ड रेड में दिखाएं तो गिल्ड रेड में डिजी को लेकर हम इतना डैमेज किए थे, ठीक है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा, और ये पूरा एक सोलो रन था गाइस। हम यहाँ पे इन लोगों को टैग इन टैग आउट कुछ नहीं किए थे, डिजी को लेकर सीधे खेले थे वहाँ पे ये। और हमको बस ये चीज़ जानना है कि 3 स्टार डिजी, ठीक है, 849 मिलियन डैमेज किया है, और मेरे गिल्ड मेंबर ग्यूजोन का 4 स्टार बाइकन 613 मिलियन डैमेज किया है। तो डीजी बाइकन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि ग्यूजोन इसको बस ऐसे ही खाली क्लियर करने के लिए खेला था कि क्या सीन हमको नहीं पता। मगर हमको अब जानना है कि बाइकन कहाँ स्टैंड करती है, कि डीजी तो हम इतना जानते हैं गाइस, पर्सनली बोले तो डीजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? उसके ऊपर सोचा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों को देखना हो तो मुझे नीचे जरूर कमेंट जरूर बता दीजिएगा। बाप रे बाप, ये क्या हो गया, इतना कैसे लड़खड़ा गया, ठीक है गाइस? अगर आपको उसके बारे जानना होगा तो आप लोग हमको नीचे ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाएंगे। और हाँ, ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को हम कार्ड्स भी दिखा देते हैं कि हम उसको क्या दिए थे, तो फिर आप बोलोगे कि भाई क्या, ठीक है? तो हम इसको यहीं पे ये SS वॉल्यूम 3 का कार्ड दिए थे, यहाँ पे किंग का SS कार्ड, यहाँ पे कूलर का SS कार्ड, और यहाँ 2 स्लॉट्स में डीजी का 3PG। और हाँ, ये वाला 3PG मेरे पास पहले 2-2 था, हमको एक एक्स्ट्रा कल के समय से मिला है। और हाँ, कल का समान इतना तो घटिया रहा, और हम इसके 3 स्लॉट से डबल अटैक सुन दिए हुए हैं। कल का समान गाइस इतना घटिया था ना, घटिया बोलते हैं ना जिसको, खराब नहीं घटिया वो था, क्योंकि पहला बार तो हमको बाइकन मिली नहीं, ठीक है, नहीं मिली, बट गेस वाट, वो है मेरे पास, ठीक है? तो तुम्हारी भाभी अब मेरे पास आ चुकी है, सिलेक्टर से उठा है, अवेकन नहीं कर पाए, मगर बाबू नखरा कितना भी दिखाए आई ना मेरे पास, यही चाहिए, ठीक है? ओके, और रहा बात कार्ड में, तो कार्ड सिलेक्ट कार्ड संबंध भी बहुत ज़्यादा घटिया रहा, क्योंकि हमको एक मतलब हमको ये वाले एक कार्ड चाहिए थे, ये नहीं मिला पूरा सिलेक्टर तक जाने बावजूद। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा समन और भी किए, तब भी हमको नहीं मिला है, ठीक है? तो पहला चीज़ तो ये हो गया गाइस। और दूसरा बात ये कि हमको, हाँ लोग दिखा रहे अभी, ए नीचे जा, देखो डीजी का 2 और फिनिशर मिला, नहीं डीजी नहीं, बाइकन का 2 और फिनिशर मिला, डीजी का 1 और फिनिशर मिला, इनो का 2 फिनिशर मिला, उसके बाद रैन लिथल का 2 फिनिशर मिला, और यहाँ पर मे का 3PG 2 बार सिलेक्टर जाने के बावजूद भी हमको नहीं मिला अभी तक, समझ रहे हो? मतलब क्या है ये, एटा कॉड, नहीं नहीं ये तो कुछ और ही अलग भाषा बोलने लगे, मगर ये क्या है, क्या मजाक है ये, मतलब 2 बार सिलेक्टर तक एक फ्री कैरेक्टर का कार्ड नहीं मिला, समझ रहे हो गाइस? मतलब ना ही मेरा ये सेट कंप्लीट हुआ है, हमको इसके जगह ये वाला अगर रिटो कार्ड मिल जाता ना, तो हम कोशिश करते ये दोनों सेट हम कंप्लीट कर देते, मगर ये भी हम नहीं कर पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करें कि हम अब करेंगे रूबी स्कूल जमा, और फिर कार्ड बैनर में वापस समन करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमको ये वाला सेट चाहिए, हमको नहीं पता, हमको ये सेट चाहिए, क्योंकि ये सेट पूरी तरह डोवा सेट से सिमिलर है, सिमिलर नहीं, इस पूरा सेम है, खाली वहाँ डोवा फाइटर्स के लिए थे, गिल्टी गियर फाइटर्स के लिए है, और वो वाला सेट बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, बहुत ज़्यादा CP भी इंक्रीज़ करता है, तो इसीलिए हमको ये वाला सेट चाहिए, ठीक है गाइस? और चलो ये तो ये हो गया, मेरे पास यहाँ सिलेक्टर है, जहाँ पर हम, मेरे पास अभी ऑप्शन है कि
हम कौन सा कार्ड सिलेक्ट करें, तो अगर हमको अगला समन्स में एक टू भी ये वाला कार्ड मिल जाता है ठीक है और मेगा कार्ड मिल जाता है, तो मतलब पूरा हम सिलेक्टर तक बिना गए हम बोल रहे हैं कि अगर हमको मेगा कार्ड और यहाँ पर से एक टू भी ये वाला कार्ड मिल जाता है ना, या फिर एक टू ये वाला कार्ड, तो हम ये वाला दो सेट अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि डोवास कोलैब में हम एक कार्ड के लिए मेरा सेट कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा वाला। और यहाँ पर ये तो ये हुआ ही है, और हम आप लोगों को क्या बताना चाहते थे कि बाइकन को हम यहाँ ऑब्टेन कर चुके हैं, और हम थोड़ा भी सोच रहे कि हम इसका क्या करें, हम इसको थ्री स्टार तक लेके जाएं, क्योंकि हम लोग पास मेरे पास अभी मौका है। एक सेकंड, इसके भी सोल को हम लोग सेल्वेज कर देते हैं। और गाइस हम आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे, आपको किसी भी फेस्ट कैटर सोल मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल मत करो लिमिट ब्रेक करने के लिए, आप सोल फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करते हैं, हमको नीचे कमेंट जरूर बताना, मगर यहाँ पर आप उस सोल को सेल्वेज करके सोल एक्सचेंज शॉप में यहाँ पर आके एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये टोकन्स आपके लिए फ्री रूबीज़ की तरह ही हैं, समझ रहे हो ना। तो हमको पता है जो भी पुराने प्लेयर से उन लोगों को लिया बहुत मामूली बात हो गया, मगर बाई चांस अगर कोई नया प्लेयर देख रहा हो तो उसको ये बता दें। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कंबाइन करके हम मे को और इनो को मेमोरी मिला के यहाँ पर दो टू एस एस मेमोरी लेके बाइकन को थ्री स्टार तक ले जाएं। आप लोग क्या बोलते हो गाइस, हमको नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि हमको बाइकन को अपग्रेड करना है, मगर अब हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि बाइकन को हम अपग्रेड करें कि नहीं, कि उन मेमोरीज को हम रख लें, क्योंकि हम जो मेरे एग्जिस्टिंग फेस कैरेक्टर्स हैं उनको तुम कभी भी अपग्रेड कर सकते हो कोलैब वाले डायमेंशन इन्विटेशन टिकट को लेकर, मगर ये एक एसएस मेमोरी पूरा रुला देता है, आप लोगों को ये पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है। ओके हम लोग हमको ग्रीट किया गया गिल्ड में, दैट इज़ ग्रेट। तो यही सब था गाइस इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि कब मेरा समन्स कितना बेकार रहा। और हाँ एक और चीज़ अपडेट ये कि मेरा कार्निवल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको वापस से रन में जा रहे हैं, क्योंकि हमको अब यहाँ पर से सोल के मेमोरी चाहिए, और यहाँ पर से जितना ज़्यादा हो सके उतना सोल मेमोरी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी 2000 कॉइन है, इसका मतलब हमको और 3000 कॉइन में हम सोल का एक और मेमोरी ले लेंगे, और हम बस यही होप करते हैं कि जब तक हम लोग का कोलैब रहता तब तक में हम कम से कम सोल का 3 मेमोरी यहाँ से ऑब्टेन करें, ताकि हम 3 स्टार उसको भी लेके चले जाएँ। अब वो होगा नहीं होगा वो हमको नहीं पता है गाइस, मगर आप लोगों का अभी तक कितना मेमोरी आप लोग उठा चुके हैं हमको नीचे ज़रूर बताना। और हाँ चलो अब जो मेन बात जिसके लिए हम ये वीडियो ही बनाए थे, मतलब हम तो भूल ही गए, मतलब टाइम देख रहे हो ना गाइस, थोड़ा सा बिजी थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे हम, मगर आप लोगों को तो पता ही है वीडियो तो बनाना ही है हमको ठीक है। और यहाँ वो हम आप लोग को बताएंगे, मगर यहाँ पे हम लोग पास कुछ पैच नोटिस भी आया हुआ है, वो पता है ये वीडियो आप लोग सोच रहे हो आप लोग क्यों आए हो, मगर जो भी है मेरे साथ क्या क्या वो हमको बताना चाहते थे और क्या क्या ये अच्छा ठीक है। हम लोग पास कुछ कुछ चीज़ आ चुके हैं, तो हम लोग का ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पास कुछ ज़्यादा ऐसा खास हमको तो यहाँ लग नहीं रहा है जो हम लोग को जानना चाहिए। मेक अ फाइटर स्किल फिक्सर अप्लाउज फॉर विक्टिम टारगेट, अच्छा ठीक है छोड़ो इसको हटाओ। और यहाँ पे हम लोग पास जो ब्लैक फ्राइडे का हमको लगता है कुछ सेल वेल भी आया हो, तो हम लोग एक बार शॉप को चेकआउट कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग असली मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। ब्लैक फ्राइडे शॉप, यहाँ पर हम लोग पास कुछ डील आया है, अच्छा ये क्या डब्ल्यू, ये कौन सा करेंसी है भाई, 49,000, एक सेकेंड 600 रुपीज़ हम लोग को यहाँ पे एक मिस्ट्री बॉक्स मिल रहा है, क्या है भाई इसमें, BF क्या है ये, ओ ओ ओके ओके गाइस यहाँ पे 600 रुपीज़ में हम लोग को इन सभी चीज़ों को ऑप्टेन का मौका मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग पास ये सिलेक्टर तो हम लोग कुछ काम का नहीं है, मगर यहाँ गिल्टी गियर समन के लिए हम लोग पास समन टोकन मिलने के चांसेस है, और यहाँ पे मेरे पास चांसेस है कुछ पाने के, और यहाँ गिल्टी गियर का बैटल कार्ड का भी मिलने का हम लोग पास चांस है, मगर चांस काफ़ी असली लग रहा है। और ये वाला पैक थोड़ा हमको ज़्यादा ही महंगा लग रहा है ठीक है, ये पहले जैसे हम लोग का पहले होता था कि हम लोग 10 रुपीज़ से ख़रीदते थे उसके बाद फिर 600 रुपीज़ का होता था, तो अगर ये वैसे रहता तो ये वाला थोड़ा बढ़िया रहता अगर आप हमसे पूछे तो। और यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ ये शॉप में जैसा हम लोग पहले बोले कि यहाँ पर अपने APs को ज़रूर कलेक्ट करना गाइस। और ये डब्ल्यू को, ये डब्ल्यू कौन सा, एक सेकेंड ये साउथ कोरियन वोंग तो नहीं है, ये साउथ कोरिया का करेंसी वोंग में होता है ठीक है, ये तो ये हो गया। और चलो वापस आप लोग बता दें कि अगर आप लोगों को इस दूसरे वाले कूपन के लिए अपना, अरे यार ये नहीं कहाँ गया कूपन, हाँ यहाँ पे अगर आप लोगों को दूसरे वाले के लिए कोड अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला अगर आप लोगों को ईमेल में, तो ये वाला कूपन का कोड हम अपना कल का वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे, जिन लोग खोज लिए होंगे उन लोगों को मिल गया होगा, मगर अगर अभी आप लोगों को नहीं मिला अभी तक, तो
तो आप लोग यही रिकमेंड करेंगे वाले वीडियो जाके देखो, वहाँ पे अगर आपको कोड में वहाँ पर कोड लो, और अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो उसको यूज़ कर लो। और यहाँ पर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को वापस से 3 नया कोड देंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर से 7 क्लियर और भी टिकट पा सकते हो। तो उसके लिए गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कर लेना, और हम आप लोगों को फ्री में अपने साथ गिफ्ट दे रहे, जबकि मेरा इतना ख़राब हुआ है। तो इसके लिए अपना एक सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अरे कर देना ना गाइस, क्या है, एक तो सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, और लाइक, हाँ लाइक तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। YouTube रिकमेंड ही नहीं करे मैं वीडियो सबको, और आजकल रिकमेंड कर भी नहीं रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है गाइस। तो गाइस यही सब था आज की इस वीडियो में, हमको पता है हम कुछ ऐसा एक एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस तो नहीं किए हैं, मगर फिर भी आप लोगों को हम बता दिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है अभी लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग, लक कितना ख़राब था, डार्लिंग मेरे पास आ ही चुकी है, और हम थोड़ा सा असमंजस में फंसे कि हम इसको अपग्रेड करें कि नहीं करें, और क्या, और तो कुछ नहीं गाइस। तो होप करते हैं वीडियो को मज़ा आएगा, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया गाइस। और हाँ, इन सभी टॉपिक्स पे जिनको हम आज कवर किए उन सब पे आपके क्या थॉट्स थे, आपको क्या पता था क्या नहीं पता थे, और आप लोग फिर से समझ किए हो कि नहीं, ये सब चीज़ें हमको नीचे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।